अब भाई वर्ल्ड कप तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन खबरें ये हैं कि इंडिया को सब लोग फेवरेट करार दे रहे हैं, लेकिन फेवरेट करार देने के साथ साथ इंडिया पर एक चोकर्स का भी टैग लगा हुआ है और वो माजी से चला आ रहा है। और अभी लास्ट अभी जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी जो इंडिया फाइनल में चोक किया था, इससे पहले इंडिया सेमीफाइनल में चोक किया था, तो चोकर्स का टैग क्या इंडिया हटा पाएगा इस बार? क्योंकि काफी अरसा हो गया इंडिया बायलेटरल सीरीज तो जीत रहा है, लेकिन आईसीसी इवेंट या कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत पा रहा है। तो इंडिया जो है अपने जो उन्होंने अभी वार्म अप मैच खेला उसमें कुछ खबरें ये नजर आई कि जायसवाल कहीं नजर नहीं आए, और कुछ खबरें ये हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है ना ये करेंगे ओपनिंग, और इस बार इंडिया का ओपनिंग स्टैंड हमें शायद बदलते हुए नजर आए। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर ओपनिंग करते हैं तो फिर इंडिया को नीचे से एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस तरह की पैट ने बैटिंग की है बांग्लादेश के खिलाफ, और खासतौर पर हार्दिक की वापसी हुई है, हार्दिक जो एक फैमिली इशू की वजह से, उस पर कोई मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि किसी की फैमिली इशू हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जिस जिस बैट सीन से चलते आ रहे हैं खासतौर पे फैमिली इशू का हटा भी जाए तो उनका जो पूरा आईपीएल का सीजन है एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर बहुत बुरा रहा। बड़ी तनकीद हुई, बड़ी उन पे मीम्स बनी, बहुत ज़्यादा हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग हुई, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच पे हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की है वो छक्के जाए, वो ऐसा लगा कि हार्दिक इस बैक वाला सीन नज़र आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि हार्दिक वही वाला हार्दिक है जो ओडाई वर्ल्ड कप में शेर सैयद की नाम हो रहा था कि शेर सैयद जिस तरह की बैटिंग कर रहा था। लेकिन जो पैंट है यार, पैंट भी बड़ी फॉर्म है। मुझे अफसोस हुआ संजू सैमसन का, आप लोगों को भी शायद अफसोस हुआ होगा क्योंकि संजू सैमसन को देखिए जब जब मौका मिलना है ना संजू सैमसन को जो ना परफॉर्म करना है, ये आप मानेंगे, क्योंकि देखिए संजू सैमसन वो बंदा है जिसकी ऑटोमेटिकली ना टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बनती है। संजू सैमसन को अपनी जगह खुद छीन के लेनी पड़ेगी अगर संजू सैमसन चाहता है कि वो टीम प्लेइंग इलेवन में टीम इंडिया का हिस्सा बने। अब संजू सैमसन को मौका मिला बांग्लादेश के खिलाफ, वो एक रन पे आउट हो गया, अगर संजू सैमसन भी पैंट की तरह बैटिंग कर लेता या उससे अच्छी बैटिंग कर लेता तो शायद संजू सैमसन एक कंसिडर होता कि हाँ यार प्लेइंग इलेवन में जो भी आएगा इंडिया का मैच कैनेडा से, यूएसए से, पाकिस्तान से, आयरलैंड से, उसमें इंडिया उसमें उसको यूटिलाइज कर सकता था, क्योंकि ये अभी इतने मेन क्रूशल मैचेस नहीं है। क्रूशल मैचेस तो सुपर एट में होंगे, ये तो भी इनिशियल स्टेज होगी, लेकिन संजू सैमसन ने ये मौका ज़ाया कर दिया। खबर ये है कि टीम इंडिया की तरफ से ओपनर ये दोनों होंगे, फिर आपके सूर्या कुमार यादव, फिर पैंट नज़र आएंगे, फिर हार्दिक पांड्या, फिर शुभमन दुबे होंगे। सो ये इंडिया अपना कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, और सबसे बड़ा जो एक बार बार सवाल उठ रहा था कि यार इंडिया के जो है ना आईपीएल से इंडिया फॉर्म लेके नहीं जा रहा, यानी कि टीम है तो इवेंट इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया के लीग है, लेकिन इंडिया के जो 11 12 15 खिलाड़ी पे अगर नोट कर लिए जाना तो 15 में से मुश्किल से भी जो है ना दो या तीन या चार खिलाड़ी ऐसे होंगे जो जिन्होंने आईपीएल में परफॉर्मेंस दी है, कुछ दिए, लेकिन जिस तरह विराट टॉप स्कोरर रहे, जसप्रीत बुमराह एज ऑलवेज बेहतरीन बॉलर रहे, लेकिन अगर आप अपने बैटिंग लाइनअप और की बात की जाए ना जायसवाल चला, ना रोहित शर्मा चले, ना पैंट चला, ना हार्दिक पांड्या चले, शुभमन दुबे चला, तीसरा मैंने आपको कहा था शुभमन दुबे भी है, उसके बाद फिर जडेजा की भी बस इनऑफ सिचुएशन थी, अक्षर पटेल की भी इनऑफ परफॉर्मेंस सही रही, लेकिन कुलदीप की भी इनऑफ पोजिशन रही, लेकिन ना सिराज की अच्छी परफॉर्मेंस रही, ना किसी और हरदीप सिंह की परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि टीम इंडिया, लेकिन टीम लेकिन कमबैक जिस तरह किया है पैंट ने और हार्दिक पांड्या ने जो छक्के मारे उससे नज़र आ रहा है कि ये दोनों इंडिया को इंडियन बैटर्स को मौका मिल जाएगा परफॉर्म करने का अगेंस्ट यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। लेकिन इशू है रोहित शर्मा का, रोहित शर्मा पे बहुत तनकीद हो रही है, कहने वाले तो मैंने सुना ये कह रहे हैं कि यार इशू ये है कि रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहा, और हमारे पड़ोस ममालिक से आवाज़ आ रही है कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस सवाल उठा रही है, और रोहित शर्मा बिल्कुल वैसे ही बैटिंग कर रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही रोहित शर्मा की जो T20 वर्ल्ड कप में होनी चाहिए, वो बिल्कुल उसी तरह की बैटिंग कर रहा है जैसे वो आईपीएल में बैटिंग कर रहा था। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा अगर परफॉर्म नहीं करे तो रोहित शर्मा को खुद ड्रॉप हो जाना चाहिए और वाइस कैप्टन को लीड करना चाहिए। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं, टीम इंडिया से आवाज़ें तो ये भी आ रही हैं कि रोहित शर्मा को अब खुल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि आर या पार वाली सिचुएशन है, आखिरी वर्ल्ड कप है रोहित शर्मा का भी, विराट कोहली का भी। लेकिन देखिए विराट और रोहित में फ़र्क ये है कि विराट को जब आप छेड़ते हो ना वो नहीं होता बिक्की हुई गाय होती है, शरीफ गाय बैठी हुई, उसको आप छेड़छाड़ कर रहे हो, आज अब उसको छेड़छाड़ करो तो बिदक जाती है। विराट के साथ ये कि विराट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा
या थोड़ा बहुत भी इनफ इनफ चल रहा है, उसके बाद जब पीछे से कमेंट्स आते हैं इसको छेड़ने की कोशिश करते हैं तो विराट भिदक जाता है। फिर जब विराट भिदकता है ना, फिर विराट बख्शता नहीं, और विराट साबित करके, और ये तीसरी एक नहीं मिसालें बेतहाशा मिसालें आपके सामने उड़ाए। वर्ल्ड कप से पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला विराट बेहतरीन परफॉर्मर रहा, फिर उसके बाद आईपीएल में लोगों ने बहुत कुछ बोला हाईएस्ट स्कोरर रहा, अब टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आप देखिएगा विराट इंडिया की तरफ से बेहतरीन, अगर टी20 में बेस्ट परफॉर्मर ना भी रहा लेकिन इंडिया की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर होगा, क्योंकि मुझे जैसे इसकी फॉर्म लग रही है ना, तो वो लगता है टी20 वर्ल्ड कप में ना बेस्ट परफॉर्मर ही नजर आएगा। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा में थोड़ा सा फर्क है, रोहित थोड़ा टाइम लगता है अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए, लेकिन विराट थोड़ा सा मुश्किल है। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग ये समझ रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है ना वो कोई बहुत बड़ी हाइप नहीं रही अब, और पड़ोस ममालिक से ये बात आ रही है। तो मैं पड़ोसियों को ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है आपकी बात मैं थोड़ी सी वजन सब इसलिए समझ सकता हूँ कि हमारा जो इस वक्त फॉर्म है हमारी बैटर्स की वो लाइनअप पे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये समझने की ज़रूरत है कि क्रिकेट और टी20 वर्ल्ड कप टू डिफरेंट थिंग नहीं है। उडाए और ट्रिक उडाए में होता है, टी20 में फ़र्क होता है कि टी20 में इशू यहाँ आता है कि टी20 जिस दिन जिसने परफॉर्म कर दिया वो परफॉर्म कर गया, ठीक है ना। आपको भी पता है जैसे एंटरटेनमेंट क्रिकेट आर पार वाला गेम होता है, जिस दिन पाकिस्तानी बैटर्स चल गए और जिस दिन उनका दिन रहा स्पेशली 9 जून को, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल होगी। हाँ मैं मानता हूँ कि जो न्यूयॉर्क की पिच है जहाँ पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा वो थोड़ा सा पाकिस्तानियों को बड़ा तकलीफ देगी, क्योंकि पाकिस्तानी उसकी आदी नहीं है, बॉल बहुत बार सीम होता है और बॉल बाउंस होता है, पाकिस्तानी बॉलर्स को फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स पहले ही जो फ्लैट पिच है उस पर सफ़र कर रहे हैं, तो इस तरह की सीम और बाउंस पिच पर पाकिस्तानी बैटर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन जो हमारे पड़ोस वाले के दोस्त आ रहे हैं जो मुझे सुनने वाले हैं वो ये, अगर थोड़ा सा मैं इनको ये कह दूं कि हाँ ठीक है आपका बात बढ़िया बनती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स हल्के आएंगे, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी ना आपको डेंजरस टाइम जो ना टफ टाइम देंगे और डेंजरस जो ना अलार्म देते रहेंगे, क्योंकि ये मत भूलिए कि हमारे पास भी आमिर है, शाहीन है, नसीम शाह है और हारिस रऊफ है, ठीक है ना। तो हाँ पिछले वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप की बात कीजिए, हारिस ठीक है पिट गया था विराट से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक बार बार चीज़ रिपीट होती है। तो देखते हैं आने वाला, बस चंद दिन के फासले पर रह गया है, एक हफ्ते से कम का फासला है, 9 जून को पाकिस्तान मुकाबला इंडिया है चोकर्स, और दूसरा ये बात ये कि इंडिया भी इसी हफ्ते अपना पहला मैच भी खेल लेगा, पाकिस्तान भी अपना पहला मैच खेल लेगा। सवाल ये है, मैं आपके पास सवाल छोड़ते जा रहा हूँ, कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, क्या इंडिया फेवरेट है? ठीक है, लेकिन टैग क्या वो अपने फेवरेट के साथ टैग हटा पाएगा चोकर्स का या नहीं, ये आप कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, और कमेंट्स चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारी ऐसी खबरें जो आपके सामने लाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़।